नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। आज गुरु नानक नाम लेवा संगतों में खुशी की लहर है। कारण है पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से ट्वीट करके बोलना कि 29 जून को वह करतारपुर कॉरिडोर खोलना चाहते हैं। 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह का शहीदी दिन है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अगर भारत सरकार कॉरिडोर खोलना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया। संगतों का कहना है कि दोनों देशों को दोबारा लिखित रूप में समझौता करना चाहिए और करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलना चाहिए। सरकार जो भी आदेश देगी हम उसकी पालना करेंगे। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोलना चाहिए। गुरदासपुर से विनीत लुथरा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। क्या खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जो पिछले लंबे अरसे तो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब का लांघा खोलने लिए संगतों वालों रोजाना सवेरे शाम अरदास की जाती सी, तो गुरु साहब जी की अपार कृपा सदका अते दोनों देशों के सहमति नाल पिछले समय जो ये लांघा खुला संगतों से बहुत खुशी महसूस हुई पाई गई। आज भी जो मैं समझना पाकिस्तान की सरकार वालों एक ट्वीट करके उन्होंने मंत्री वालों जो अपने फेसबुक पर पाया गया उसका बयान दिया ही भावें स्वागत करने खुशी महसूस होती है। मैं समझना कि इस लिखती रूप में दोवां सरकारां नूं अमल करके इस लांघे नूं तुरंत खोलना चाहिए ता कि जो समुचियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां दीआं भावनां उस दर दे दर्शन करन लई जुड़ियां होईआं उस ते जाके उस स्थान ते जाके नतमस्त हो के उसदीआं खुशियां प्राप्त कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हिंदुस्तान की सरकार नूं खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब और विदेश मंत्री जी नूं बहुत संजीदगी नाल इस गल नूं लैणा चाहिए क्योंकि हले संगतां दे चाव ही पूरे नहीं होए कि दर्शन द्वारे खुल के चंगी तरह एक तो पासपोर्ट की जो शर्त ही होर भी नियम काफ़ी उन्होंने थोड़े ही पर सारिया संगतों को पासपोर्ट ना होण करके भी संगतां दर्शनों तो अधूरियां रह गईं। मैं बेनती करनी चाहुंदा एक तो नियम थोड़े जिहे ढिले कर देने चाहिए हैं और सरकारी प्रक्रिया पूरी करके तो संगतों दी भावनावां नूं मुख रखदे होया हिंदुस्तान सरकार नूं भी फराक दिली विखाउणी चाहिए आ ते ए लांघा जिहड़ा जल्दी तो जल्दी खोलना चाहिए।